अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं माश के वड़े, जो माश की दाल से बनते हैं। उसे हम हिंदी में उड़द दाल भी कहते हैं, जो ऐसे लगती है। इसे हमें रात में भिगाना चाहिए, यानी तो 8 आवर्स भी काफ़ी है। अब इसे हम ड्रेन कर देते हैं। देखिए इस तरह इसे मैंने ड्रेन कर दिया, पूरा पानी निकाल दिया। अब इसे ग्राइंड करना है। अब इसमें हम ऐड करते हैं ये हरी मिर्ची, कोथमीर, करिया पाक, पुदीना, ये हम डाल देंगे। अब इस सबको हम लोग ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वरना वो पतला हो जाएगा। ये इस तरह ग्राइंड, ठीक। अभी इसमें हमें इतना सा सोडा, और स्वाद अनुसार नमक, बस। अभी फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया माश के वड़ों का बैटर। अब इसे हम तल लेंगे। ये पैन में हमने ऑयल डाला, इसको डीपली अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। अब ये मैं डाल रही हूँ माश के वड़े। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसे गोल हैं, इसमें सुराख नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं आता। इसलिए मेरे चैनल का नाम है इजी कुकिंग विद आयजा। हम उसे कैसे दिखा सकते हैं, हमें टेस्ट से मतलब। किसी भी शेप में खा, देखिए इस तरह। अब ये फ्राई हो चुके हैं, गैस को मैंने स्लो कर दिया। इस तरह बहुत इजी है, घर में ट्राई कर सकते हैं आप, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। ये देखिए हमारे माश के वड़े तैयार, क्रिस्पी। अब हम इसे इसके साथ खा सकते हैं। अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।